Hey everyone, welcome back to Cellography. We are not going to any tourist destination, but I'm going to have you a tour of my journey. So, let's get into the video. I'm a travel freak और मेरे इसी घूमने फिरने के शौक के चलते मैंने 2014 में अपना करियर स्टार्ट किया विद टूरिज्म इंडस्ट्री और 3 years के अच्छे खास एक्सपीरियंस के साथ मैं चली आई स्विट्जरलैंड फॉर माई मास्टर्स। तो जर्नी शुरू होती है कतर एयरवेज से, जो कि मेरी फेवरेट और वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस में से एक है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बट वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अवार्ड्स 2019 के अकॉर्डिंग भी कतर एयरवेज वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस है। और कतर एयरवेज की स्मूथ होस्टिंग को एंजॉय करते हुए, बादलों की बहुत सारी फोटोज वीडियोज निकालते हुए और अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हुए कि स्विट्जरलैंड पहुँच के फर्स्ट मुझे ये करना है, मुझे कहाँ जाना है, सब कुछ प्लान करते हुए फर्स्ट मैं पहुँचती हूँ कतर एयरपोर्ट, विच इज़ द ब्यूटिफुल, सुपर ब्यूटिफुल एयरपोर्ट। तो प्लेन एयरपोर्ट पर उतर चुका था और मैं बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि ये होने वाला था मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ ही साथ इंडिया के बाहर की ज़मीन पे ये होने वाला था मेरा पहला स्टेप। एंड आई वाज सो एक्साइटेड। और ये रहा हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा, जहाँ से मैं ट्रांसफर की ओर जाते हुए। तो ये मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट टर्मिनल की ओर, ताकि मुझे स्विट्जरलैंड के लिए अगली कनेक्टिंग फ्लाइट मिल सके। सुबह का समय है, मैं पहुंच चुकी थी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट यहाँ आकर मैंने इसके अलावा कोई फोटो वीडियो नहीं लिया, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और साथ ही मैं इमिग्रेशन, बैगेज कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें, बट ज्यूरिख सिटी के अंदर आके आई टुक सम। ज्यूरिख से 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचते हैं इस पैराडाइज में, जो कि सुरेनबर्ग कहलाता है। और सुरेनबर्ग 50 किलोमीटर तक किसी भी सिटी से कनेक्टेड नहीं है, जो कि आप पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। और ये है HDMI, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैंने ज्वाइन किया था स्प्रिंग सेमेस्टर, जो कि स्टार्ट होता है जनवरी मंथ से, जब पड़ रही होती है हैवी स्नो, यस स्नो फॉल। एंड आई सॉ माय फर्स्ट स्नो फ्लैग ऑन माय हैंड एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट। और यहाँ का अकोमोडेशन होता है बिल्कुल होटल की तरह और क्लासेस होती है फुली डिजिटलाइज्ड, बट बुक्स आपको बहुत सारी पढ़नी है। और इस फुल ऑफ एमिनिटीज कैंपस में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पर स्विमिंग पूल है, एवरी फ्राइडे आपको फ्राइडे नाइट एंजॉय करने के लिए अल्कतराज है, इंडोर आउटडोर गेम्स और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं। वो स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते हुए पूरा ईयर कब निकल जाता है नहीं पता चलता है, आ जाता है ग्रेजुएशन डे। और ये था मेरी लाइफ का द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट प्राइड मोमेंट, जब मेरा नाम अनाउंस होता है। आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो ऑन द स्टेज टू गेट द डिग्री। और जब मैं जाती हूँ, ओह माय गॉड, आई वॉज सो हैप्पी। और मेरा अगला वीडियो होने जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स के साथ, सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। इस चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स में फैला दो और सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।